सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भुलाया जाने वाली कहानी है। जब सलमान खान इस लव स्टोरी के नायक थे, वो आशिकी के आग में ऐसे झुलसे कि मानो खलनायक बन गए। ये कहानी है एक आशिक की बेपनाह मोहब्बत की, जो प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से अपने खूबसूरत रिश्ते को खो बैठा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज आप आसानी से देख पाए। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी सन 1997 में शुरू हुई। सलमान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे, वही ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अभी एंट्री ही की थी। ये वो दौर था जब सलमान का दिल सोमी अली के लिए धड़कता था। उस दौर की फिल्मी मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक सलमान सोमी को लेकर काफी सीरियस थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त सलमान की नजर ऐश्वर्या पर पड़ी और सलमान का दिल कब सोमी को छोड़कर ऐश्वर्या के लिए धड़कने लगा, ये सलमान को खुद भी नहीं पता चला। एक वेबसाइट पर दिए एक इंटरव्यू में सोमी ने खुलासा किया था कि ऐश्वर्या की वजह से उनका और सलमान का रिश्ता टूट गया। सोमी इतनी आहत हुई कि वो हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चली गई। एक मैगजीन के मुताबिक मसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। कहते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया था और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी करी थी। सलमान की वजह से ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्में मिली। सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने एस को इस फिल्म में ब्रेक दिया। यही वो फिल्म थी जहां से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब गए। कहते हैं इस फिल्म में दोनों की शानदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली मोहब्बत थी। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की जिंदगी में दाखिल होने लगी, वो उनके परिवार वालों के भी करीब आने लगी। बताया जाता है कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाते थे। हालांकि कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से दूरी बनाने को कहा, जिससे वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर अकेले रहने लगी। दोनों सितारों की लव स्टोरी चल रही थी कि उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पिटने लगे। सलमान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की भी धमकी दी और सुबह 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते उनका हाथ भी जख्मी हो गया। आखिर सुबह 6 बजे घर का दरवाजा खुला। सलमान के हंगामे के पीछे की वजह बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और इस वक्त पर शादी नहीं करना चाहती थी। इस घटना के बारे में सालों बाद सलमान ने खुद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कबूला था कि वो ऐश्वर्या के घर गए थे। बाद में यह भी खबरें आई कि ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के खिलाफ थाने में केस दर्ज भी करवाया। इन सारी खबरों की वजह से सलमान की काफी बेइज्जती हुई। धीरे धीरे सलमान और ऐश्वर्या के बीच की दूरियां बढ़ती गई। खबरों के मुताबिक इसी बीच सोमी अली का सलमान के पास फोन आया कि उनके पिता का ऑपरेशन होने वाला है और वो उनकी मदद करें। सलमान बिना ऐश्वर्या को बताए अमेरिका चले गए। जब ऐश्वर्या को ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। और आखिरकार एक स्टोरी का इस तरह दुखद एंड हुआ। तो आप क्या सोचते हैं सलमान और ऐश्वर्या के लव स्टोरी के बारे में? आप हमारा मनोबल कमेंट करके बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह की दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।